सब तो पहला सुनो, मेरी तरफ तो राम राम। आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो हमने अपनी बाइक में इंस्टॉल किया भाई KTM ड्यूक 200 का मडगार्ड, फ्रंट मडगार्ड। ये अपनी बाइक का 564 भी, तो मडगार्ड मैंने इंस्टॉल इसमें कर लिया है। और वो जो डायरेक्टली फिट नहीं हुआ उसमें थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है उसमें, तब जाके फिट होता है, क्योंकि फ्रंट से हो जाएगा। फ्रंट के जो लोग हैं वो आसानी से फिट हो जाते हैं। जो दिक्कत है वो पीछे के लोक में और जो उसके बीच में सस्पेंशन के बीच में जो होती है ना, वो पत्ती लगी हुई थी उसमें दिक्कत आती है। तो कैसे क्या हुआ, पहले इंस्टॉलेशन किया, वीडियो देख लो, उसके बाद बताता हूँ कितने का पड़ा, कहाँ से लिया, क्या कुछ था, सारा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। तो ये है भाई इंस्टॉलेशन के बाद फाइनल लुक बाइक की। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फिटिंग वगैरह जो कुछ भी है इसका। ये सेकंड हैंड मडगार्ड है जो मैंने क्रोल बाग से लिया था, KTM ड्यूक 200 का, क्योंकि इसका जो ये अपाचे 164 भी है, इसके भाई पार्ट नहीं मिलते। मैंने कई शोरूम में, 4-5 शोरूम जो मेरे पास में लगते थे, सब में मैंने ट्राई कर लिया। इसका ना पार्ट बहुत मुश्किल से मिलता है। जो ये इसका मडगार्ड है फ्रंट वाला, वो 3 पार्ट में है, 3 पीस वाला है। तो कहीं पर साइड वाला मिल जाएगा या फिर आपको बीच वाला मिलेगा, वो भी कहीं कहीं पर, पूरा आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं कि आपको पार्ट में आधा कहीं मिल गया आधा कहीं मिला, ऐसे भी जुगाड़ बंदा कर ले। तो मैंने कई जगह ट्राई किया, वहाँ पे मिला नहीं, और 3-4 बार मैंने पूछा तो भाई नहीं मिला, तो मैंने मजबूरन इसमें जो है करना पड़ा। वैसे मैं सोच भी रहा था एक बार कि मैं इसमें KTM का मडगार्ड, RC का जो RC 200 है या 250 है, उसका मडगार्ड इंस्टॉल करने की सोच रहा था मैं इसमें, पर उसका जो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा फ्रंट से, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगा कि उस पर लगाएंगे ना तो उसमें थोड़ी लुक है ना दूसरी टाइप की आ जाती है। अगर आपके पास फेयरिंग वाली बाइक है तो उसमें अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसमें KTM ड्यूक का जो मडगार्ड है वो लगाया है थोड़ा उससे ना, बल्कि बिल्कुल ये देख दिखाऊँ मैं आपको, देखो इससे ना ये लगाने के बाद बाइक की जो लुक है ना फ्रंट से वो थोड़ी बल्कि बल्कि आ रही, क्योंकि ये डमी भी मैंने लगा रखी USD फोक्स की, और ऊपर से ये भी थोड़ा चौड़ा चौड़ा है। ये पोर्शन है ना ये वाला, ये इसका बहुत चौड़ा है, जो इसका ओरिजिनल मडगार्ड है यहाँ से और यहाँ तक काफ़ी चौड़ा लगा, पूरा ही मडगार्ड चौड़ा वैसे तो, पर यहाँ से थोड़ी ना बल्कि लुक आती है इसकी। और एक फ़ायदा ये लगाने का कि इसमें आप, ये अभी मैंने इंस्टॉल कर रखा 100 नंबर का टायर, और इसके अंदर आप 120 नंबर का टायर बिल्कुल आराम से कर सकते हो। साइड में देखो, साइड में भी जगह है, और ये ऊपर भी लिफ्ट हो जाएगा। ये इसके दो पोर्शन है, यहाँ पे भी नट लगा सकते हो आप, यहाँ पे भी, और जो इसका मडगार्ड आता है उसमें बस एक नट यहाँ पे लगता है, और उसमें इतनी जगह बचती है जितनी अभी इसमें है ना, इतनी जगह उसमें बचेगी जो इसका स्टॉक मडगार्ड होता है। पर इसमें हमें दो फायदे हैं, ये है अगर आपको थोड़ा ना अपलिफ्ट चाहिए मडगार्ड, तो उसके लिए आप इसमें लगा सकते हो, ये बोल्ट यहाँ पे लग जाएगा, ये वाला यहाँ पे, तो ये थोड़ा ना लिफ्ट हो जाएगा। ये देख लो इतना पोर्शन और लिफ्ट हो जाएगा अगर आप इसमें 140 कुछ भी कितना मोटा टायर डाल लो, वो आराम से फिट हो जाएगा। और अगर आप ऑफ रोड करते हो और आपको थोड़ा ना अपलिफ्ट मडगार्ड चाहिए, तो ये भाई बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसमें अल्ट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, जुगाड़ जो है भाई इसका, वो है कि इस साइड जो कैलिपर है यहाँ पे, पत्ती आपने देख ली होगी इंस्टॉलेशन की वीडियो में, तो एक पत्ती तो यहाँ पे लगाई है, ये ऐसे कुछ इस तरीके की है, ये बैंड हुई है, तो इस साइड तो लग गई है कैलिपर में। जो मेन दिक्कत हो दूसरी साइड आई, क्योंकि उस साइड में जो कैलिपर वगैरह कुछ नहीं है, तो उस साइड में क्या है वो भी दिखाता हूँ मैं।
तो इस साइड एक पत्ती ये लगी यहाँ पे, ये वाला पोर्शन था ये यहाँ पे लगा, पत्ती यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इतनी चौड़ी पत्ती है वो यहाँ पे लगाई, इसके बैक साइड में लगाई और यहाँ तक। तो इस तरीके से हुआ है, पीछे आपको दिख रहा हुआ है थोड़ी जगह इसमें ना ज़्यादा सी है, थोड़ा उठ रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा डाउन कर रखा है इसमें, ताकि इसकी जो लुक है ना वो अच्छी है, नहीं तो ये थोड़ा ऊपर करूँगा तो ये हो जाएगा, उसमें थोड़ा गैप ये हो जाएगा। और एक रीज़न इसका ये भी है क्योंकि जो ये पत्ती है ना, ये जो दोनों शोकर हैं इनके बीच में जो पत्ती जो इनको जोड़ रखती है, तो उसकी वजह से भी है, इसकी वजह से थोड़ा नहीं है अपलिफ्ट हो रखा है, तो इसलिए थोड़ा ये पीछे से है। कई बंदे क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, पर हटाने के बाद भाई अपने जो सस्पेंशन है ना उसके अंदर दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैंने नहीं हटाया। और वैसे टच नहीं हो रहा, देखो ये है सेंटर में, इस साइड कर दिया और ये इस साइड, बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा, बीच में जो है दो उंगलियों का गैप इसके अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये मैंने सेकंड हैंड लिया, इसके ऊपर स्केच वगैरह लगी हुई है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल मडगार्ड है वो तो मिल नहीं रहा कहीं पे, और जो लोकल जिसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है वो भी 1100-1200 रुपए का मिल रहा था, करोल बाग में मिल रहा था वो सेकंड हैंड, पर वो क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं थी उसकी, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया। और मैंने प्रीफर किया कि भाई KTM का ही लगा लेते हैं, कम से कम ओरिजिनल तो है, इसकी क्वालिटी जो है बहुत बहुत बढ़िया उससे। ये बस इसमें ये है कि ये स्क्रैच लगी है इसके ऊपर यहाँ पे, तो स्क्रैच का तो कुछ नहीं है भाई, इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा रैप करके और पेंट वगैरह दोबारा से इसको कर दूँगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसको पेंट तो करना पड़ेगा एक बार, बाइक की हालत जो यार पूरी बहुत ख़राब रखी, क्योंकि कुछ टाइम से पिछले कुछ टाइम से मैंने बाइक के ऊपर बिल्कुल ध्यान दिया, ये ऐसे ही खड़ी रहती यार डस्ट वगैरह। और टाइम आ गया इसका, ये जो इसके ऊपर मैंने PPF करवाई थी ये भी रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो इसकी हालत ये डैमेज हो रखी है, तो आने वाले टाइम में इसको भी करवाऊंगा। और ये पीछे का भी रैप वगैरह फट गया, थोड़ा काम इसमें जो है अब करवाना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तो यही था, आप बताना कमेंट करके मुड़गाड़ आपको कैसा लगा, और जो भी आपके थॉट हो वीडियो के लेकर, और कोई आपको चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। चैनल पर नए हो तो वीडियो में, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो, और कमेंट करके अपने थॉट वाइज ज़रूर बताइए।